गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स यूनिट सेवन एक्सरसाइज 7.3। तो 7.3 में जो आज हमारा क्वेश्चन रहता है वो क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में स्टेटमेंट लिखा है रमेश हैड 20 पेंसिल्स, सालू हैड 50 पेंसिल, जम्बाल हैड 80 पेंसिल। आफ्टर 4 मंथ्स राकेश यूज 10 पेंसिल्स, सालू यूज 25 पेंसिल एंड जम्बाल यूज अब 40 पेंसिल। व्हाट फ्रैक्शन इज इट डज ईच यूजर चेक इफ ईच यूज यूज्ड एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ देयर पेंसिल। तो हमारे पास जो पेंसिल्स के डिटेल्स दिए हैं क्वेश्चन नंबर 8 में वो हम मैं राइट कर रहा हूं यहां पे। तो हमारे पास टोटल जो पेंसिल्स थे वो दिए हैं 20। टोटल पेंसिल्स आगे 20, यूज कितने हुए, यूज कर लिए उन्होंने 10। ओके, ये केस था राकेश के लिए। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आ गया 10/20। That is 1/10/20, that is 1/2। तो इसको हम फर्स्ट केस मान लेते हैं। हमारे पास इसी का सेकंड आ गया। तो अब क्या हुआ, उसके पास दोबारा टोटल पेंसिल्स, सॉरी सेकंड केस इधर लिख लेते हैं, दोबारा से ये लिखेंगे सेकंड में। जो दूसरा इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है वो स्टेटमेंट बेस्ड है, तो दूसरा पार्ट बना दिया। तो 50 पेंसिल टोटल थे, 25 यूज कर लिए, 25/50 लिखा। तो दोबारा टेबल 5/5 = 25। यार सबको पता है कि 25 की टेबल से काटे तो 1/2 ही आता है, 25 1/2 आ गया। जिसका जो लास्ट जो केस रहता है वो भी यही है, थर्ड जो पार्ट रहेगा उसमें पेंसिल्स कितने हैं 80, यूज कितने किए 40। 40/80 लिखा, 0 से 0 काटा, 1 2, 4 1s are 2, 4 2s are 8, 1/2 आंसर आ गया। अब जो लास्ट 9th क्वेश्चन है वो मैच करने का है। तो अब जो मैच करेंगे हम वो सॉल्व कर करके करेंगे। मैं बस इसके डायरेक्टली आंसर सी लिखूंगा। जैसे हमारा जो लास्ट क्वेश्चन रहता है वो है क्वेश्चन नंबर 9। 9 में लिखा 250/400। ऑप्शंस हैं साइड में लिखे 2/3, 2/5, 1/2, 5/10, 9/10। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखे सिंपलेस्ट। तो सिंपल सा 0 से 0 कट गया, लेफ्ट बचा जी 25/40। तो 25 और 40 8 के टेबल में आते हैं, तो 5 से हमने इसको डिवाइड किया, ये 5 के टेबल, 5 5 = 25, 5 = 40। क्या गया 5 5 = 25, 5 = 40। फर्स्ट कॉन्सेप्ट निकल चुका। वैसे ही हमारे पास सेकंड पार्ट 180/200 लिखा, 0 0 बांटा, 18/200 20 बचा। चेक करो जरा भाव दिमाग, दोनों किसके टेबल में आते हैं। पहले तो मुझे 2 ही नजर आता है, 2 तो 2 9 18 2 10 20, दोनों के आंसर आ गए। अब जो नेक्स्ट रहता है थर्ड वो राइट करेंगे। इसी का जो थर्ड पार्ट है वो कर लेते हैं। तो थर्ड है 660/99, 0 से 0 काटा तो 66/99। अब इसको डिवाइड करना है, अब देखते हैं सबके दिमाग में क्या आ रहा है। मेरे दिमाग में तो 3 आ रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि जैसे ही चलो 3 नहीं लिखते, 11 से कर देता हूं। सबको 11 का टेबल तो आता ही है, 11 6 66 11 9 99। अब दोबारा काटेंगे तो ये काटना तो आता है 2 से 3 2 6 3 3 9 2/3। ओके,
नेक्स्ट आगे फोर्थ 180 ओवर 3600 अगेन 18 36। तो 18 और 36 आया जो हमारे पास 18 है तो 2 का टेबल सिंपल सा 2 9 का 18 होता है 18 2 36। तो अब दोबारा देख लो 3 आ गए मुझे 3 का टेबल आता है 3 3 3 9 3 6 18 आंसर इज योर्स 1 2 दैट इज 1/2। लास्ट पार्ट इसका फिफ्थ 5th पार्ट इजी है दोबारा से तो हम अब 5th पार्ट राइट कर रहे हैं इसका। तो 5th पार्ट में लिखा है 220 ओवर 550 00 काट लिया तो भाई 22 ओवर 55 बचा। सबको टेबल आता है 11 का तो 11 राइट किया 11 2 22 11 5 55 ये हो गया। हमने सारे के सारे आंसर्स निकाल लिए। ये मैथ का फॉलोइंग क्वेश्चन था तो इसको मैच कर सकते हैं। थैंक यू।